तो आइए चलते हैं फर्रुखाबाद की बड़ी खबर की ओर, जहां बाइक मैकेनिक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 दिन पूर्व बाइक मैकेनिक विनोद की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। प्रॉपर्टी विवाद के चलते बाइक मैकेनिक विनोद के भतीजे व दामाद ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को ग्राम भावपुर के ईंट भट्टे के पास से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस व 2 खोखा 315 बोर बरामद हुए। आज SP अशोक कुमार मीणा ने पूरे मामले का पुलिस लाइन सभागार में किया खुलासा। 16 सितंबर को उस्मान नगला, जो कि थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि विनोद नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया था और जो उनके घर वालों के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दी थी, उसके आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें COCT के नेतृत्व में हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम और थाना फर्रुखाबाद की टीम लगातार काम कर रही थी, जिसमें आज हमारी टीम को सफलता मिली। और जो इस हत्या के पीछे जो 2 लोग थे उनकी अरेस्टिंग की गई है। इनके अरेस्टिंग ग्राम भोपुर की ईंट भट्टे के पास से की गई है। साथ ही साथ इनके पास से 2 तमंचा 315 बोर, 5 कारतूस जिंदा 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 315 बोर प्राप्त हुए हैं, जो कि इनके द्वारा इस हत्या को कारित करने में प्रयुक्त किए गए थे। ये जो दोनों इसके अंदर मुख्य अभियुक्त हैं, ये जो मृतक है उसमें से एक मृतक का भतीजा है, दूसरा उसका दामाद है।